ओम श्री गणेशाय नमः। माय पाइसीज फ्रेंड्स, मीन राशि, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं अगले हफ्ते की, जिसमें हम सबसे पहले आपके जॉब करियर रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे और फिर हम उसके बाद आपकी क्या कहते हैं लव रीडिंग, एंड देन हम उसके बाद कार्ड्स निकालेंगे, आपके डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे क्या आपको करना चाहिए, ठीक है? और जो मैच हो वो लीजिए, जो ना हो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिए। मैच्योरिटी, अबंडेंस, कंट्रोल एंड सॉरो, देखिए मिक्स्ड से कार्ड्स आए हैं। कार्ड्स में शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स आपसे कि अब तक आपने शायद चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल किया है, ठीक है, और आपकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ आई है, बहुत अच्छा चला है अब तक आपके साथ और आगे भी चलेगा। लेकिन जो कहीं ना कहीं आप शायद थोड़े सौरों के जो ये मूड में लग रहे हैं, या तो कोई आपको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है और या फिर आप चलाने की कोशिश कर रहे हो अपने जॉब करियर बिजनेस में, तो वो मत करिए, ठीक है। और इस वजह से आपको कहीं ना कहीं सौरो फील हो रहा है, सैड हो, आप दुखी हो, उदास हो, समझ में नहीं आ रहा कि इतना अच्छा चल रहा था, मैं तो इतना समझदार था, मैंने इतनी अच्छे से मैच्योरिटी से हैंडल किया, फिर भी उसने मेरी बात को नहीं समझा, मैंने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया, क्या हो गया। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए अगले हफ्ते। अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो अबंडेंस आपकी तरफ ज़रूर आएगी। और मैच्योरली हैंडल करो सिचुएशन को, मैच्योरली हैंडल करो, ऐसे ज़बरदस्ती कुछ भी किसी की भी चीज़ों को गलत मत लो। और कोई गलत कर रहा है तो प्लीज़ आपने उसको ज़रूर बोलना है, ठीक है। अब हम आपकी लव रीडिंग देखेंगे, किस एनर्जी में रहेंगे आप अगले हफ्ते पाइसीज। Pisces, the world, five of pentacles, queen of swords, the chariot. चैरियट लव, सॉरी पाइसिस, आपकी रीडिंग देख के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे अब तक आपने जिस चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी शायद किसी को अपनी दुनिया बना रखा था या बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद या तो वो आपके साथ सही नहीं कर रहा, फेयर कर रहा है, और इस वजह से आपको लग रहा है कि अब निकल जाओ इस रिश्ते से, बाहर आ जाओ। एक तो ये एक कहने का मतलब है, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी बातें मैच हों। और अगर मान लीजिए ऐसा किसी ने आपके साथ किया है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुद इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि विड्रॉल एनर्जी में, वहाँ से आप निकलना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे, मैं भी अब उसके साथ वैसा ही करूँगी, कोई तो आपके लिए कभी दुनिया था और अब आपको लग रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी कर दूँ, और कुछ नहीं कर सकता तो मैं वहाँ से निकल ही जाता हूँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है। पर अच्छा कार्ड ये है द चैरियट का कि कहीं ना कहीं मूवमेंट आएगी आगे चल के, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चली जाएंगी। अभी जैसे आप गुस्से में हो या आपका पार्टनर गुस्से में है, शायद नाराज़ है, गुस्से में है, तो फिलहाल के लिए चीज़ों को थोड़े रुक जाइए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत पॉजिटिव मूवमेंट होगी, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है अगले हफ्ते, लाइट रहिए, ठीक है। और अब मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। एंजल्स प्लीज बताएं, पाइसिस राशि क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। सक्सेस, बहुत ही अच्छा कार्ड है, नॉट द राइट टाइम, एंड नेक्स्ट वी हैव टेक एक्शन। देखिए तीनों कार्ड्स को अगर मैं देखा जाए तो पहले में तो वो आपको कह रहे हैं कि आपको कामयाबी मिलेगी, दूसरे में कह रहे हैं अभी समय नहीं है, एंड टेक एक्शन, तो वो ये कह रहे हैं कि आप कर्म करो पहले, ठीक है, सबसे पहले आप एक्शन करो, एक्शन लो, कर्म करोगे, ऐसे जैसे आपने लव लाइफ में दिख रहा था ना कि आप ही निकलने की कोशिश में हो, ऐसे मत करो, जहाँ इतना एफर्ट किया वहाँ थोड़ा और सही, तो थोड़ा एक्शन
लो, तभी सक्सेस मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि अभी मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूं, जल्दबाजी में करके सब तोड़ ताड़ दूं, चीज़ें ख़त्म कर दूं, तो ऐसा नहीं करना है पाइसिस राशि, समझदारी से ही चलना है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। एनर्जी क्लेम करिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।